यूपी के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक रविवार को सीतापुर के दौरे पर हैं। सुबह 9:30 बजे डिप्टी सीएम ने तहसील सिंधौली के आंगनबाड़ी केंद्र गढ़ी रावा में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा अन्नप्राशन संस्कार एवं गोद भराई कार्यक्रम में 5 महिलाओं की गोद भराई की तथा 3 बच्चों का अन्नप्राशन करके उनको खीर खिलाई। इस दौरान डिप्टी सीएम शिक्षक की भूमिका में दिखाई दिए। कक्षा में बच्चों के पास घुटनों पर बैठकर डिप्टी सीएम ने शिक्षण कार्य की जानकारी ली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। सभी पात्रों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कानून व्यवस्था बेहतर है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सीतापुर में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना उनकी सरकार का लक्ष्य है। सिधौली क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था उच्च कोटि की मिले और पूरे प्रदेश मिले, इसके लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। और जिस ढंग से यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र का हम लोगों ने निरीक्षण किया है, आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थित बच्चों का अन्नप्राशन कार्यक्रम संपन्न हुआ है, सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। और पूरे प्रदेश के जो मरीज हैं वो हमारे भाग्य भगवान की तरह हैं और सभी मरीजों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है, हर स्थिति में इसको हम पूरा करेंगे। इसके बाद डिप्टी सीएम विकास खंड कसमंडा की ग्राम पंचायत माहौली के गौ आश्रय स्थल पर निरीक्षण करने पहुंचे हैं। उन्होंने गौशाला में गायों का पूजन कर केला व गुड़ खिलाया। पूर्व प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक डिप्टी सीएम यहां निरीक्षण कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।